जब से मैंने ऑल प्रोटीन प्लांट लेना शुरू किया है, पहले मेरे बाल यहां तक इतने लंबे थे और मैं जिस दिन सर धोती थी उस दिन सारे घर में बाल ही बाल हो जाते थे। मेरे हस्बैंड, बच्चे बहुत गुस्सा करते थे। मेरे हस्बैंड तो उनके तो खाने में आता ही था ये देख तेरा तो मेरे को बहुत गुस्सा आया और मैंने गोवा जाने से पहले अपने पूरे बाल कटवा दिए थे, इतने इतने करवा दिए थे। लेकिन मैंने ऑल प्रोटीन प्लांट जब मैंने सौरभ सब की क्लास ली थी ना, तब से मेरे को नॉलेज बहुत हुई कि ये चीजें तो हमारे जीवन में बहुत कमी है कि हम लोग खाते क्या है, कुछ भी नहीं खा रहे। और जब से लेना शुरू किया मेरी हेल्थ में इतनी एनर्जी, शरीर में इतनी एनर्जी आ गई कि मैं बता नहीं सकती कि कितना मेरे को फिटनेस रहता था सारा दिन। और मेरे बाल भी झड़ने बंद हो गए, मुझे कंघे में ढूंढने पड़ते हैं कि मेरे बाल निकले कि नहीं निकले। और मैं शैम्पू भी करती हूँ तो भी मेरे बाल बिल्कुल नहीं निकलते, नहीं तो पूरे गुच्छे ऐसे निकलते थे मेरे और बालों के। ग्लूकोसामाइन का और ग्लूकोसामाइन का तो अमेजिंग रिजल्ट है कि मेरे हस्बैंड ने कम से कम 8-9 साल पहले एक्सरे कराया था, उनके दोनों घुटनों में गैप था, बहुत ज्यादा था कि आपको अभी इमीडिएट ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, वो एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकते थे। और जब से मैंने कुछ दिन में मेरे को ज्वाइन कराया और मैंने सप्लीमेंट की जब नॉलेज ली, तो हम तब से जो भी मेरे सप्लीमेंट घर में आते ना हम सारे खाते हैं। स्पाइलिना हो गया, प्रोटीन हो गया, क्रेस्ट हो गया, स्ट्रांग एंड स्मार्ट हो गया, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, ग्लूकोसामाइन, सब हम लोग यूज करते हैं। मैं कहती हूँ बाहर डॉक्टरों को पैसे देने से अच्छा है कि हम सप्लीमेंट क्यों ना खाएं। अब फर्क क्या है, अब सर की कंडीशन क्या? अभी हाल ही में जब हमने घर चेंज करा, मेरे हस्बैंड गिर गए थे घर में ही, चेंज कर रहे थे घर को, हम सामान वगैरह ले रहे थे तो बहुत जबरदस्त गिर गए थे, तो उनको 2-3 दिन पेन रहा। तो फिर मेरे बच्चे कहने लगे मम्मी एक्स्ट्रा करा लो, कभी पापा को कोई और ज्यादा परेशानी ना हुई हो। एक्स्ट्रा करवाया तो उन्होंने कहा कि स्वेलिंग है और आपके कोई गैप वगैरह नहीं है, उनका गैप बिल्कुल कवर हो गया था। तो उनको खुद को इतनी खुशी हुई कि मेरे गैप का मैं रहा ही नहीं। और अब तीन सीढ़ियां वो आराम से, 3 मंजिल मतलब थर्ड फ्लोर पे वो हम रहते थे, आराम से दिन में 4-5 बार चढ़ जाते थे, 4-5 बार उतर जाते थे। और टच वुड, मेरे हस्बैंड 60+ है, मैं भी अब 68 के आसपास ही हूँ। तो ईश्वर की कृपा है कि मेरे घर में कोई भी, सिर्फ एक विक्स ये जुखाम वगैरह की दवाई के अलावा और कोई घर में मेरी दवाई नहीं है।